नंदगांव के नंद बाबा मंदिर में रविवार को परंपरागत रूप से नंदोत्सव मनाया गया। इस दौरान अनेक कार्यक्रम और लीलाएं नंद भवन में संपन्न हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने भी भाग लिया। रविवार के दिन समूचा नंदगांव नंदलाल के जन्मोत्सव आनंद में डूबा नजर आया। प्रातःकाल से ही नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की इन मधुर स्वरों को गाते हुए दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने नंद भवन पहुंचकर पालने में झूल रहे कृष्ण बलराम के दर्शन किए और नंद बाबा यशोदा मैया को बधाइयां दी। समूचे नंद भवन को आकर्षक ढंग से सजाया गया। वहीं ठाकुर जी के पालने के सम्मुख नंदगांव बरसाना के गोस्वामी जनों ने अपनी परंपरा को निभाते हुए नंद महोत्सव आयोजित किया। इस दौरान संयुक्त रूप से बधाई समाज गायन भी आयोजित किया गया। बता दें कि नंदोत्सव की इस श्रृंखला में भाड़ बधाई, बांस बधाई, मल्लयुद्ध प्रदर्शन, ब्रज की प्रसिद्ध शंकर लीला आयोजित की गई। ठाकुर जी के जन्मोत्सव की इस द्वापरकालीन लीला को देखने के लिए नंद भवन में अपार जन समूह उमड़ पड़ा। सुबह से दोपहर शाम तक नंद भवन में जन्मोत्सव के कार्यक्रम श्रृंखलाबद्ध तरीके से आयोजित किए जाते रहे। मल्लयुद्ध में नंदगांव के गोस्वामियों ने बलराम जी की मल्ल विद्या का बड़े ही सुंदर ढंग से प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। छोटे बालक, युवा, वृद्धजनों ने अपने पारंपरिक वेशभूषा में एक के बाद एक कुश्तियां लड़कर वाहवाही लूटी। बता दें कि मल्ल विद्या के बाद भक्तों के हृदय को रोमांचित करने वाली शंकर लीला संपन्न हुई। ब्रज झाला टैंकर जैसे ही समाज के मध्य भगवान शंकर पहुंचे, समूचा नंद भवन रोमांचित हो उठा। इस लीला के दर्शन करने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान भगवान शंकर और यशोदा मैया के मध्य संवाद हुआ। देखो, भगवान शंकर कह रहे हैं कि माँ अपने सुत के, अपने लाला के दर्श करा दे, मेरे गुरु ने यही बताया है। और देखिए कैसे बिलक 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 कर प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने सुत के दर्श करा दे, यही मेरे गुरु ने बताया। मैं कैलाश पर्वत से केवल दर्शन करने आया हूँ, कुछ याचना करने नहीं आया, कोई दान लेने नहीं आया हूँ। और भगवान शंकर धीरे धीरे नंद भवन में माँ यशोदा के सम्मुख आगे बढ़ रहे हैं। आज आपने कौन सा स्वरूप बनाया है, क्या ड्रेस पहनी है? कृष्ण जी का। कृष्ण जी का क्यों पहनाया है? आज उनका जन्मदिन था। जन्मदिन है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? प्रेरणा। ताकि हमारे बच्चे को भगवान का आशीर्वाद मिल सके। एक तो यहाँ पे नंद महोत्सव था, हम पहले आए थे नंद गांव में, तो हमें पता था कि यहाँ पे नंद महोत्सव बनेगा, तो हमने सोचा कि अपने बच्चे को कृष्ण जी बनाए तो भगवान का आशीर्वाद मिले। और ये हमारी इच्छा भगवान ने पूरी करी, भगवान श्री कृष्ण का। हम तो चाहेंगे कि हमारी जो संस्कृति है बहुत उन्नत संस्कृति है, अगर इसे अपनाएं तो लोग बाग अपने संस्कारों को सीखेंगे। बता दें कि बधाई समाज संपन्न होने के बाद नंद भवन के मंदिर सेवा समिति ने आने वाले सभी श्रद्धालुओं और हंसाना वासियों को बधाई स्वरूप प्रसाद भेंट किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, नंद बाबा मंदिर कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भुवनेश गोस्वामी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष नरदेव चौधरी, युवा समाज सेवी दान विहारी चौधरी ने सभी भक्तों को बधाई के रूप में प्रसाद वितरित किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि ब्रज की परंपराएं अनूठी हैं और नंदगांव का नंद महोत्सव जग प्रसिद्ध है। उन्होंने समस्त देशवासियों को नंद महोत्सव की बधाई दी। जब कोई पिता ये सूचना देता है कि मेरे पुत्र हुआ, तभी तो उत्सव मनाया जाता है। तो हमारे नंद बाबा ने आज के दिन सूचना दी कि मुझे पुत्र हुआ है, इसलिए आज नंदोत्सव मनाया जा रहा है इस पूरे इलाके में।
हमारे इलाके के ब्रजवासियों के घर घर में आज नंद के लाला ने जन्म लिया है। किसी यहाँ ब्रजवासी गीता वाले भगवान कृष्ण और द्वारका वाले भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करता, यहाँ तो भगवान उस भगवान की पूजा की जाती है जो गायों को चराता था, जो मक्खन लूटता था, जो गिरिराज पर्वत को धारण करता था, जो गाय के गोबर से गिरिराज के पुजवाने का काम करता था, यहाँ जो गोपियों के साथ रास रचाता था, उस भगवान कृष्ण की पूजा ब्रजवासी करते हैं। और उसी रूप में जिस घर में कोई बच्चा होता है, माता और पिता की नज़र में चाहे वो 80 साल का हो जाए, लेकिन वही बच्चा रहता है जो माँ का दूध पीता है। तो ऐसे ही ब्रजवासियों की नज़र में भगवान कृष्ण वही बालक है, इसीलिए नंद के लाला के नाम से पुकारते हैं, इसीलिए जशोदा के लाला के नाम से पुकारते हैं। हमारे यहाँ खुरगिनती के अनुसार जो पूर्णिमा होती है, रक्षाबंधन की पूर्णिमा, उसके अनुसार जो खुरगिनती से जो बार पड़ेगा उसी दिन 8वें दिन जन्माष्टमी का आयोजन होता है, तिथि का भान नहीं होता है। तो हमारे यहाँ 8वें दिन कल जन्मोत्सव हुआ, आज नंदोत्सव हुआ। कल के जन्मोत्सव की प्रक्रिया रही, ठाकुर जी का रात्रि में गुप्त अभिषेक हुआ, क्योंकि नंदगांव में गुप्त अभिषेक होता है, प्रत्यक्ष अभिषेक नहीं होता है। वैदिक ध्वनि से वैदिक मंत्रों के द्वारा श्री नंदलाल का अभिषेक किया गया, तदुपरांत पट खुले, सबको ने दर्शन प्राप्त किया, देश विदेश से लाखों श्रद्धालु नंदगांव में आए और बहुत ही सुंदर आयोजन रहा। आज नंदगांव का आयोजन हमारे यहाँ, एक तो सबसे अलग हट के बात है कि नंदगांव और बरसाना के जो भी आयोजन है वो संयुक्त आयोजन होते हैं। अकेला कोई भी उत्सव ना नंदगांव में होता है ना कोई बरसाना में होता है। तो सुबह सुबह ही बरसाना से लोग आए बधाई लेने के लिए, और यहाँ नंद महोत्सव का आयोजन हुआ, शंकर लीला हुई, ढाणी ढाणेन लीला हुई, बांस लीला हुई, पदावली हुई, और ठाकुर जी के बहुत सुंदर पालने में दर्शन हुए, जिसमें कि देश विदेश से अनेकों श्रद्धालु आए, सबकी सुविधाओं का भी यहाँ ख्याल रखा गया। तो आज आपने देखा नंदगांव के नंद भवन में किस अंदाज में अपनी परंपरा को निभाते हुए नंद उत्सव मनाया गया। सुबह प्रातः से ही भगवान श्री कृष्ण को पाल्य में लाया गया और अपने बड़े भाई बलराम के साथ पाल्य में उन्हें झुलाया गया। वहीं नंद भवन के प्रांगण में नंदगांव के और बरसाना के गोस्वामी समाज ने यहां बैठकर बधाई गायन किया, और इस दौरान नंद महोत्सव की जो अनेक लीलाएं वो संपादित हुई हैं उनमें बांस बधाई, भाण बधाई, मल्ल विद्या का प्रदर्शन हुआ, और वहीं सबसे जो प्रिय लीला है शंकर भगवान की लीला आज यहाँ दर्शन हुए। स्वयं शंकर भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए यहाँ आए और उस समाज के दौरान भगवान शिव के सामने दर्शन करिए, और शंकर जी ने माता यशोदा की गोदी में बैठे नन्हे से बालक के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। और आज ही के दिन यहाँ इस नंद भवन की खास बात है कि पूरे वर्ष भर में एक दिन शंख बजाया जाता है, वो भगवान शंकर ने यहाँ शंख बजाया है और कृष्ण बलराम को अपने मयूर पंख के झाड़े से उनकी नज़र उतारी है। और आज आपने देखा कि नंद भवन में नंद महोत्सव के दौरान भारी भीड़ रही, देश विदेश के श्रद्धालु आए, अपनी अपनी भावनाओं के साथ नंद बाबा के यहाँ बधाई देने और लेने आए। इसमें उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण भी यहाँ शामिल हुए, और उन्होंने बताया कि ब्रज में जो उत्सव मनाया जाता है वो देव की बसदेव नंदन का नहीं, यशोदा नंदन और नंद बाबा का मनाया जाता है। इसीलिए लोग यहाँ जब जय घोष करते हैं तो नंद के लाला की जय बोलते हैं, क्योंकि ब्रज भूमि जो है वे प्रेम और माधुर्य की भूमि है, यहाँ माधुर्य के साथ उत्सव मनाया जाता है और इस उत्सव में सभी ब्रजवासी शामिल होते हैं, तभी नंदगांव का जो उत्सव है वो अनूठा है। और इसलिए रसकों ने कहा है कि जो नंदगांव का जो आनंद है उसकी महिमा ही अपने आप में अनोखी है, इसलिए अनोखो नंदगांव और नंद बाबा का जो गांव है वो अनोखा है, इसलिए नंद को अनोखो गांव इसको कहा गया है। और आज अनोखे अंदाज में यहाँ नंद महोत्सव संपन्न हुआ, सभी ने संवेद स्वर में नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पाल की। जीना न्यूज़ के लिए कमना पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।